उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज की तर्ज पर राज्य के सभी विकास प्राधिकरणों से अपील की है कि माफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाएं। जब प्रदेश भर के सभी विकास प्राधिकरण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मैं इस अवसर पर सभी विकास प्राधिकरणों से कहूंगा, वे भी अपनी माफियाओं से छुड़ाई गई जमीनों पर ऐसे ही गरीबों के लिए आशियाना बना कर देखो आयोजन माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करवा करके उन गरीबों को उनका अधिकार देने का कार्य करेंगे तो यह लोगों के मन में एक नया विश्वास पैदा करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले राज्य की सरकारें किसी गरीब को आवास नहीं देना चाहती थी। वर्ष 2017 के पहले किसी भी जमीन पर माफिया कब्जा कर लेता था और उनका साथ पूर्व की सरकारें देती थीं। अब उन्हीं जमीन पर हमारी सरकार गरीबों के लिए आवास बनवा रही है और माफिया जेल में है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को प्रयागराज के लूकरगंज स्थित लीडर प्रेस मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर निर्मित 76 फ्लैटों की चाबी गरीबों को सौंपी। उन्होंने कहा कि सरकार आज गरीबों के साथ खड़ी है, पहले की सरकारें माफिया के साथ खड़ी होती थीं। आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है, अब प्रदेश माफिया मुक्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 54 लाख लोगों को घर मिले हैं, जल्द ही 10 लाख लोगों को नए घर मिलने वाले हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी निर्मित 76 फ्लैटों को पीडीए के अधिकारियों के साथ देखने पहुंचे। इस दौरान बच्चों से मुलाकात कर उन्हें चॉकलेट भी दिया। इसके बाद कार्यक्रम में सभी लाभार्थियों को फ्लैटों की चाबी सौंपी। इस दौरान उन्होंने 20 लाभार्थियों से संवाद भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 768 करोड़ रुपए की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इसमें 107.71 करोड़ की 29 परियोजनाओं का लोकार्पण और 660.05 करोड़ की 197 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। हम लोगों ने इसका नामकरण एक बार फिर से इसका पौराणिक नाम प्रयागराज रख करके और स्मृतियों को ताजा करने का कार्य किया। ये कार्यक्रम जहां आगे बढ़े वहीं साथ ही साथ प्राचीन काल से ही धर्म और अध्यात्म की संस्कृति की धारा के साथ साथ शिक्षा और न्याय की धरती भी प्रयागराज रही है। और आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि माफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के आशियाना बन जाए तो इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। भाजपा की डबल इंजन सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि ये जो 76 घर दिए जा रहे हैं, अगर सपा की सरकार होती तो सिर्फ एक खास जाति को मिलते, लेकिन इस सरकार में सबका साथ सबका विकास ही दिखेगा। पहले नौकरियां निकलती थी तो उसमें भी यही होता था, एक खास वर्ग को फायदा दिया जाता था। आज जो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उसे नौकरी मिल रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 768 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, ये प्रयागराज के लिए बड़ा दिन है। 2021 में मुख्यमंत्री ने अतीक के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर फ्लैट बनाने का ऐलान किया था और दिसंबर 2021 में भूमि पूजन करने आए थे और आज 1731 वर्ग मीटर में 76 फ्लैट बनकर तैयार हो गए। इस अवसर पर सांसद केसरी देवी पटेल एवं रीता बहुगुणा जोशी, सिद्धार्थ नाथ सिंह, सुरेंद्र चौधरी सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।